हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछली वीडियो में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा। तो ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा जो दूसरा पार्ट होता था फाइनाइट वर्ब में, वो क्या होता था? हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता था। कौन सा प्रिंसिपल या फिर कहें मेन वर्ब। हमने क्लासिफिकेशन बताया कि जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, यानी कि जो टेंस के हिसाब से नहीं बदलती हैं, उनको हम दो पार्ट में बांटेंगे, प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब, और दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में बोलेंगे तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मुख्य क्रिया के बारे में, यानी कि हमारी मेन वर्ब। इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, इसको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट वर्ब भी कह सकते हैं। तो हमेशा की तरह जैसा इनका नाम होगा वैसे इनका काम भी होगा। जैसे कि प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल होता है, अगर हम स्कूल में या कहीं पे भी बात करें कि प्रिंसिपल हम किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है या वो चीज होती है जिस पे बाकी की सारी चीजें निर्भर कर रही होती हैं, बाकी की सारी चीजें उसके ऊपर अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ। मेन का मतलब, मेन तो सिंपल सा वर्ड है, मेन चीज, मेन लाइन है, तो यानी कि बाकी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। मेन चीज है यानी कि मुख्य है, वो तो सीधा सा मतलब है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर करने वाली चीज, डिपेंड होने वाली, डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया जो कि डिपेंड नहीं करती है, आजाद होती है, तभी तो हम मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस। तो यहीं से शब्द आया इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी, जो किसी पे निर्भर नहीं करती है। तो ये इनका मतलब हो गया। अब जो प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब ये जो होती है, ये मेरी कितने प्रकार की हो सकती हैं? दो टाइप की हो सकती हैं। पहली होती है हमारी एक्शन वर्ब। ये हमारी कैसी होती हैं? एक्शन वर्ब होती है, ये एक्शन कर रही होती है अक्षय कुमार की। तो ये एक्शन वर्ब होती हैं, और जो दूसरी होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब। कैसी होती हैं ये? नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, ये कोई भी एक्शन नहीं करती हैं, ऐसे शांत रहती हैं, बिल्कुल शांत। तो ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये मेरी क्या है? एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो अब क्या होता है, नॉन एक्शन जो वर्ब होती है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, स्टेटिव वर्ब और हमारी होती है लिंकिंग वर्ब। लेकिन इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब के बारे में। तो इसको हम अभी के लिए ऐसे करके बिगाड़ देते हैं। तो जो एक्शन वर्ब होती है, एक्शन यानी कि कोई भी काम हो रहा होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, हम अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, गले का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक काम है। वहीं पर अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं, हम सोच रहे हैं, तो अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी हम क्या बोलेंगे, ये क्या है? एक्शन है, कोई एक काम है जो हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो एक्शन वर्ब का मतलब कोई काम जब भी हो रहा होगा तब हम बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, एक्शन वर्ब हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब क्या होता है, तो जो एक्शन वर्ब होती है उनको भी तो हम बांट सकते होंगे। एक्शन वर्ब जो होती है, जैसे हमने बोला कि वह गया, उसने खाना खाया, वह बोल रहा है, वह चल रहा है, वह इंग्लिश बोल रहा है, वह उर्दू बोल रहा है। तो एक्शन वर्ब का मतलब हुआ काम होना, कोई भी काम जिसमें हमारा शरीर दिमाग कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, और पहचान के लिए हम बोल सकते हैं उन शब्दों के आखिरी में ना, नी, ने करके आता है, और सिर्फ ना भी समझ सकते हैं कि ना करके लिखा होता है आखिरी में, ठीक है, उनको हम वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ब हो जाएंगी। तो अब देखो क्या होता है, एक्शन वर्ब जो हमारी होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक्शन वर्ब दो होंगी, कौन कौन सी होंगी, जिनके बारे में हमेशा हमने सुना हुआ, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है हमारी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इंग्लिश में इन्हीं को कह देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, और इन्हीं को कह देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक है। तो ट्रांसलेट और इंट्रांसलेट दो टाइप की हमारी एक्शन वर्ब हो सकती है। अब ट्रांसलेट इंट्रांसलेट क्या होते हैं, वैसे तो मालूम होंगे आपको, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। अकर्मक क्रिया या फिर इंट्रांसलेट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो शब्द होते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो वर्ब जो होगी किसके ऊपर हो रही होगी इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा कर्मक होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। वहीं पे इसी से बिल्कुल उल्टा हो जाता है हमारा सकर्मक, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ये वाक्य पूरा लिख लेंगे, इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। हिंदी में अगर देखेंगे तो सम मतलब होता है साथ में कर्मक है, आ मतलब नहीं, कर्मक साथ में नहीं है, तो कर्मक साथ में नहीं है तो अकर्मक, साथ में है तो सकर्मक हो जाएगा। ठीक, इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल में हम बोल सकते हैं हमारा, हमने बोला कि वह कानपुर गया। तो अगर हम यहां पे पूछें कि यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, वह जा रहा है तो वह सब्जेक्ट है, जाना गया क्या है, काम यानी कि वर्ब, कानपुर क्या है, कानपुर के ऊपर जाने का काम हो रहा है, नहीं, कानपुर जगह को बता रहा है कि वो गया है तो कहां गया है, कानपुर, तो ये ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है, ये क्या है मेरा, ये जगह को बता रहा है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, वह गया, अब क्या गया, किसे गया, उसका कोई मतलब नहीं। ट्रांसलेट वर्ब में हम एग्जांपल बोल सकते हैं ईट, खाना, उसने फल खाया, तो क्या खाया, फल खाया, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। वहीं पे हमने बोला ड्रिंक, उसने पानी पिया, तो क्या पिया, पानी, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। राइट, उसने लिखा, अब क्या लिखा, पत्र लिखा, तो पत्र मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और राइट मेरी हो गई ट्रांसलेट वर्ब। ऐसे हमने बोला कि मेक माने बनाना, अब क्या बनाया बताना पड़ेगा ना, हमने बोला कि उसने बनाया, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा, दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या बना दिया उसने, तो क्या बनाया, मान लो हमने बोला उसने एक पिक्चर बनाई, उसने एक चित्र बनाया, तो ऑब्जेक्ट हो गया चित्र या पिक्चर, और ये सकर्मक कहलाएगा। वहीं पे अगर हमने बोला कि उसने नृत्य किया, तो यहाँ पे करना वर्ब अगर ले लेंगे डू, तो नृत्य मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। वहीं पे अगर हमने बोला कि डांस माने नृत्य करना होता है, कि वह नाचा, तो नाचना यानी कि, अब हम पूछे क्या नाचा, किसे नाचा, तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, और ये मेरा डांस भी यहाँ पे इंट्रांसलेट वर्ब में आ जाएगा। तो ये होते हैं ट्रांसलेट और इंट्रांसलेट, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे फिर इसको। तो हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे नॉन एक्शन वर्ब के बारे में, यानी कि ऐसी वर्ब जिसके अंदर एक्शन नहीं होता है, जो बिल्कुल शांत रहती है, जो कुछ नहीं करती है, उनको हम बोलेंगे नॉन एक्शन वर्ब। तो शांत रहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई लिविंग चीज तो है नहीं, कोई जिंदा चीज तो है नहीं जो शांत बैठी जाएगी एक जगह पे, यहाँ पे शांत रहने का मतलब है जहां पे कोई काम नहीं होता है। तो ये दो टाइप की हो सकती है, जैसे कि एक्शन वर्ब हमारी दो टाइप की थी, ट्रांसलेटिव एंड ट्रांसलेटिव, ऐसे नॉन एक्शन वर्ब भी दो टाइप की हो जाएंगी। कौन कौन सी, पहली हमारी कहलाएगी, दो टाइप की यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, क्रिएटिव, और दूसरी को हम बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब लगभग सेम ही होते हैं, कुछ वर्ड एक दूसरे में यूज भी आते हैं, लेकिन उनको अलग अलग समझेंगे। स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम भी है। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है स्टेट को बताना, स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य बताएगा कि वो कौन से राज्य में रहता है, नहीं, उसकी अवस्था को बताएगा कि उसकी हालत क्या है, उसका ढंग क्या है काम करने का, अवस्था क्या है उसकी, वो जाएगी स्टेटिव वर्ब। अब इसका एग्जांपल देंगे तब और समझ में आएगा। लिंकिंग का मतलब क्या होता है, लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लिंक होती है किसी वीडियो की, किसी भी चीज की लिंक होती है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं, उस वीडियो में पहुंच जाते हैं, उस जगह पे पहुंच जाते हैं।
तो अगर हम लिंकिंग वर्ब की बात करेंगे तो ये क्या काम करती है, ये सब्जेक्ट को जोड़ देती है एक कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक किसी के बारे में कोई भी बात कही जाए, किसी के बारे में कोई भी जानकारी दी जाए, इसको हम बोल सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, जब भी किसी के बारे में कोई बात या कोई जानकारी दी जाएगी वो कॉम्प्लीमेंट कहला सकता है। अभी के लिए इतना मान चलेंगे। तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा जिस भी वर्ब ने उसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब, यानी कि जोड़ने वाली वर्ब। जैसे कि वो लिंक जो हमें हम क्लिक करते हैं हम वीडियो में पहुंच जाते हैं तो हमें जोड़ देती है उससे, तो उसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। अब इनके एग्जांपल देखो, नेटिव वर्ब में हम बोल सकते हैं लुक। ठीक, हमने बोला ही लुक सैड, वो दुखी जान पड़ता है, दुखी दिखाई पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं लुक माने क्या हो गया, मेरा दिखाई पड़ना, लगना, तो वो दुखी लग रहा है। तो लग रहा है कोई काम हो रहा है कि वो दुखी होने का कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो काम नहीं कर रहा है, उसकी अवस्था बताई जा रही है, उसकी स्टेट बताई जा रही है कि वो कैसा है, सैड है, तो ये मेरा स्टेट बता रहा है, अवस्था को बता रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेरी कौन सी वर्ब है, ये मेरी स्टेटिव वर्ब है। ठीक, हमने बोला कि आई लाइक चॉकलेट, तो यहां पे जो लाइक शब्द है वो क्या बता रहा है, पसंद होना, कि मुझे चॉकलेट्स पसंद है। तो पसंद होने में कोई काम किया जा रहा है, नहीं कोई काम नहीं हो रहा है, तो जो लाइक है ये अवस्था को बता रहा है। ठीक, वहीं पे हमने बोला ही मेक माय पिक्चर, ही मेक्स माय पिक्चर, मेरा चित्र बनाता है। तो यहाँ पे आप जो मेक है वो क्या बता रहा है, जो मेक है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे मेक बता रहा है किसी भी काम के होने को, किसी भी काम के होने को बता रहा है। कौन सा काम होना बता रहा है, कि मेरी पिक्चर बनाई जा रही है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। देखो पिक्चर क्या ऐसे ही बन जाएगी, नहीं, उसमें हम कुछ काम करेंगे, इस तरीके से कुछ बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है मेरी, उसके अंदर काम हो रहा है, यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है ना भाई, एक्शन हो रहा है, तभी तो ये कहलाएगी ना ये पिक्चर, देखो यहाँ पे हमने कुछ काम किया, तो एक्शन हो रहा है। तो अब ये जो मेक है ना, ये मेरी स्टेटिव वर्ब नहीं है, यहां से उठ के कहां पहुंच जाएगी, मेरी एक्शन वर्ब के अंदर। अंदर समझ में आ रहा है, स्टेटिव में अवस्था को बताएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा कि रमा लव हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज नहीं, लड़की है तो हर फ्रेंड, रमा लव्स हर फ्रेंड्स, रमा अपने दोस्तों से प्रेम करती है। तो यहाँ पे कोई काम करेगी बार बार प्रेम करने का, नहीं, कोई भी काम नहीं है, ये उसकी भावनाओं की अवस्था बता रही है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। अरे बात समझ में, स्टेटिव अवस्था बता रही, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो उनसे प्यार करती है, स्नेह करती है, तो कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, स्टेट बताया जा रहा है। तो ये होती है हमारी स्टेटिव पर, अवस्था को बताती है कोई चीज कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, ढंग कैसा। अब बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की, तो लिंकिंग वर्ब क्या काम करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, यानी कि एक व्यक्ति होगा, उसके व्यक्ति या कोई भी चीज नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके बारे में कोई बात कही गई होगी, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, एक लिंकिंग वर्ब करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक अध्यापक हूं, आई यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं, मेरी बात हो रही, आई लगा दी हमने, सब्जेक्टिव केस अगर याद हो वो कौन सी वीडियोस में, प्रोनाउन की जो पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो है या फिर नाउन की जो वीडियो है उसमें हमने बताया है केस वाली वीडियो, तो वहां पे ये सब्जेक्ट की तरह आई इस्तेमाल होगा अपने लिए, तो आई का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में हमने अपने बारे में क्या कहा कि मैं टीचर हूं, तो अ टीचर, टीचर हूं, ये मैं हूं सब्जेक्ट, और मेरे बारे में एक बात कही गई है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इन दोनों को जोड़ेगा कौन, इन दोनों को जोड़ देगा एक लिंकिंग वर्ब, जो कि यहां पे लगेगा एम, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई एम अ टीचर। ठीक, तो एम मेरा क्या हो गया, यहां पे एम मेरा हो गया लिंकिंग वर्ब, हो गया लिंकिंग वर्ब, जोड़ रहा है, इसके इसके बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, लिंक की तरह काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं बी की फॉर्म्स को,
बी की फॉर्म्स क्या होती हैं ये हमने बता रखा है, वर्ब में ही बताया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने बताया है। तो बी की फॉर्म इज एम आर होती है, इज एम आर इज एम आर वॉज वर या फिर बी, तो इन्हीं का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं लिंकिंग वर्ब की तरह। तो ये हमारी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। तो यहां पे खत्म हो जाता है हमारा प्रिंसिपल मेन या कहो इंडिपेंडेंट वर्ब खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आई है तो उसको दोबारा से रिपीट करके देखेंगे, कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट में लिखेंगे, उसके बाद में कोई डाउट या सजेशन रह जाता है तो उसको यहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे हम सजेशन को शेयर कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चीजों को सीखते रहें। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।